Hey guys, welcome back to today's video. This video is going to be the last video for the topic coordination compounds. ठीक है? बहुत सारे students ऐसे होंगे who feel like skipping this video कि अबे यार ये छोटे-छोटे parts कौन कराता है? But you know, to be really honest, अभी की जो video है, maybe 35-40 minutes में, I will try to cover up काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर लाइक वेरी वेरी यूजफुल फॉर जेई एंड नीट एग्जाम. ठीक है, मतलब जेई और नीट वाले तो दे आर लाइक टिपिकली लव विद द टॉपिक्स जो बच्चे लोग छोड़ देते हैं कि लीव इट. जब वो लीव करते हैं ना तो जेई में वो क्वेश्चन आता है. सो फॉर दोज हु आर लिटरली प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन्स, फॉर नीट एंड जेई एडवांस पेपर, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो. इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. एंड येस, क्योंकि दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो सीबीएसई के लिए ऑल्सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो देर आर फोर टॉपिक्स दैट आई विल बी टीचिंग यू, फोर छोटे छोटे टॉपिक्स आर देयर. पहला टॉपिक है कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दूसरा टॉपिक है मेटल कार्बोनिल्स, थर्ड टॉपिक दैट आई विल बी टेकिंग इज स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, एंड द फोर्थ टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई, दैट इज लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ. ठीक है, अब फिर से भगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. देखो, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब मैं पहले तीन छोटे छोटे फैक्ट्स बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई नीट एंड जेई के लिए. फैक्ट नंबर वन, TiH2O6Cl3. ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर कलर होता है, दिस कंपाउंड इज कलर्ड, बट इफ आई हीट इट इट बिकम्स कलरलेस. यू हैव टू टेल मी ऐसा क्यों होता है. ठीक है, क्वेश्चन मतलब फैक्ट नंबर टू, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, दिस इज ब्लू इन कलर, बट इफ वी हीट इट इट बिकम्स व्हाइट इन कलर, बताओ क्यों. फैक्ट नंबर थ्री, जो हम रूबी लेते हैं, मतलब जितनी भी हम ज्वेलरी लेते हैं ना, तो कई बार ज्वेलरी में रूबी के मतलब देर आर स्टोन्स विच आर मेड अप ऑफ रूबी. ठीक है, अब ये जो रूबी का स्टोन होता है, दिस इज नथिंग बट I told you in extraction chapter कि this is aluminium oxide. तो why it shows color? मतलब ruby color क्यों show करता है? Why ruby is colored? ठीक है? अब those who are watching my video and who are like really good students who follow what I say, you will tell me what is the color of the complex TiH2O6Cl3. ये मुझे पता क्या कहते हैं? Comment section में लिख के बताओ कि what is the color? It's given in NCERT, तो भाई अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो. The color is given in NCERT. You will tell me what's the color, and if the color you are telling me is correct, you have to remember it. ठीक है? Okay. अब एक-एक करके let me take all these three things in detail. Let me first take into account TiH2O6Cl3. TiH2O6Cl3. ये तो counter ion है ना? Let me just get rid of counter ion for time being. I can also write it as TiH2O6, है ना? ऊपर क्या हो जाएगा? 3+. ठीक है? Let's see, जैसे अभी तक करते आ रहे थे कि what is titanium? सरस्वती तेरी. सरस्वती was 3D1, 4S2. So titanium will be 3D2, 4S2. Water is a neutral ligand. So titanium is there in +3 oxidation state. So what is the electronic configuration of titanium? 3+. Two electrons will go from here, one will go from here. It's nothing but 3D1. ठीक है? What is the coordination number? 6. So it's an octahedral complex. So can I write? It will be T2G, EG with one electron there in T2G orbital. इतना तो I think previous videos देख-देख के समझ आ ही गया होगा, है ना? अब ध्यान से मेरी बात समझो. देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज देयर एट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, इट इज देयर एट T2G ऑर्बिटल. ठीक है ना? अब दिस इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एनर्जी होती है, एटमॉस्फेयर में सम टेम्परेचर इज देयर, 25 डिग्री सी, 298 केल्विन टेम्परेचर होता है. दिस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग द एनर्जी इज सफिशियंट एनफ दैट दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड
टू हायर एनर्जी लेवल. ये इलेक्ट्रॉन बाय ऑब्टेनिंग सम एनर्जी गेट्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल. इफ दिस गेट्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल इट विल बिकम टी टू जी ई जी. दिस गोज हियर, है ना. बट यार दिस इज एक्साइटेड स्टेट, दिस इज हायर एनर्जी लेवल. ये मैंने पहले भी समझाया था. मान लो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वेरी क्यूट लिटिल बेबी. अब वो अच्छे से खेल रहा था, ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज हैप्पी एंड प्लेइंग लाइक ही वॉज वेरी हैप्पी. सडनली मुझे कुछ हुआ और मैंने उसको एकदम से थप्पड़ मारा या था मतलब, तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? ही स्टार्ट क्राइंग, राइट. मतलब ही वॉज इन वेरी स्टेबल स्टेट, बट वेन यू स्लैप्ड हिम टाइटली तो भाई साहब वो रोने लग जाएगा. और जब छोटे बच्चे रोते हैं तो भाई साहब आई कांट इवन इमेजिन कि क्या होता है. पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं. दे स्टार्ट शाउटिंग, दे स्टार्ट क्राइंग, दे स्टार्ट लाइंग ऑन द फ्लोर एंड डूइंग समथिंग समथिंग, है ना. बट डज दैट मीन कि इट विल कंटिन्यू फॉर एवर? कि एक छोटे बच्चे को थप्पड़ मारो और वो रो रहा है रो रहा है रो रहा है पूरी जिंदगी रोता रहेगा? दैट्स नॉट राइट, राइट, है ना. तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल लाइक टू कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट. सो एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, इफ यू आर गिविंग इट एनर्जी, इट गोज टू एक्साइटेड स्टेट. बट द इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल इन एक्साइटेड स्टेट, इट वॉन्ट्स टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. एंड वेन द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट तो क्या होगा, इट हैज टू रिलीज द एक्स्ट्रा एनर्जी इट अब्सॉर्ब. वो छोटा बच्चा अगर उसको वापस नॉर्मल होना है तो वट ही विल डू, ही विल स्टार्ट प्लेइंग विद अदर थिंग्स केप्ट अराउंड हिम, है ना. तो ही विल स्टार्ट गिविंग आउट द एक्स्ट्रा एनर्जी विच ही हैज अब्सॉर्ब्ड, विच द इलेक्ट्रॉन हैज अब्सॉर्ब्ड, ठीक है. नाउ दिस एनर्जी रिलीज्ड, दिस एनर्जी सो रिलीज्ड, दिस लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड हेंस द कंपाउंड अपीयर्स टू बी कलर्ड. क्योंकि ये जो रिलीज एनर्जी है लाइज इन द विजिबल रीजन, दैट इज वाई टू योर आईज द कंपाउंड विल बी कलर्ड. फाइन. तो कहने का मतलब ये था, इन द कॉम्प्लेक्स TiH2O6Cl3 देयर वाज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल. इट अब्सॉर्ब्ड सम एनर्जी एंड इट गोज टू Eg ऑर्बिटल व्हिच इज एक्साइटेड स्टेट, व्हिच इज हायर एनर्जी स्टेट. बट द इलेक्ट्रॉन वाज नॉट स्टेबल इन द हायर एनर्जी स्टेट, सो इट वांट्स टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. व्हाइल कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट इट रिलीजेस सम एनर्जी एंड द एनर्जी रिलीज्ड लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम एंड हेंस द कंपाउंड अपीयर्स टू बी कलर्ड. ठीक है, आगे देखो. जो कलर है ऑफ द कंपाउंड, कैन आई से ये कलर तभी आया ना व्हेन देयर वाज दिस अपलिफ्टमेंट इन डीजेनरेसी. इफ T2g एंड Eg weren't there, इफ ऑल द d ऑर्बिटल्स वर डीजेनरेट ऑफ द सेम एनर्जी, तो भाई एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी ही नहीं चाहिए थी, है ना. मतलब अगर एक्साइटेशन नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ना होता, वापस ना आता, रिलीज ना करता, तो नो कलर. मतलब द कलर ऑफ द कंपाउंड इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिटिंग. और स्प्लिटिंग क्यों होती है? स्प्लिटिंग इज द रिजल्ट ऑफ लिगेंड्स. अगर लिगेंड्स नहीं होंगे देन देयर वॉन्ट बी एनी स्प्लिटिंग. नो स्प्लिटिंग मीन्स नो एक्साइटेशन, नो कमिंग बैक, नो कलर. This is also clear, right? That the color of TiH2O6 is basically because of 6 water molecules which are acting as ligands. ये बात ठीक है? अब मैंने बोला when you heat it, ये colored है ये समझ आ गया. But when I start heating TiH2O6, that means I am removing the water, I am taking the ligands go, I am making the ligands go away. जैसे ही ligands दूर जाएंगे, there won't be any crystal field splitting. No crystal field splitting मतलब no excitation, nothing, no color. आगे समझ. So guys, this question has been asked in JE to your surprise and obviously boards में तो पूछा गया है why the color of TiH2O6Cl3, like why TiH2O6Cl3 loses its color on heating. So this was the complete explanation you have to remember. Clear हो गया? Can I apply the same logic to the next example? देखो, in the next example we have CuSO4.5H2O where the water molecules are also acting as ligands. तो अगर ligands थे, splitting थी, color was blue. When you heat it, you are making the water molecules go away and that means it will lose its color and hence will be turned white in color. ठीक है? अब एक और JE का question है जो आंसर तो मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज यार मैं ही हर चीज बता दूंगी तो तुम क्या करोगे. क्वेश्चन JE का ये है, यू हैव टू टेल हाउ मेनी
water molecules are coordinated or are present as ligand to copper. मतलब there are five water molecules and one sulfate. इनमें से पता करके बताओ कि how many water molecules are directly coordinated or are present as ligand in the case of copper sulfate pentahydrate. This is JEE Advanced का question. My guarantee, like मतलब I am not kidding. This is actually JEE Advanced का question. पता करके बताओ what's the answer to this question. ठीक है? Okay, moving to the next fact. Ruby, I told you, is nothing but aluminium oxide. अब देखो, in the entire framework of aluminium oxide, we have Al3+, O2-, Al3+, O2-, O2-, Al3+, O2-, Al3+, and so on, so on, so on. ठीक है? अब Al3+ में तो no unpaired electrons, so no color. Now, some of the Al3+, in the case of aluminium oxide, will be displaced by chromium 3+. Do remember chromium 3+. And kyunki chromium 3+ is a transition metal, to main bol sakti hu na, there will be a dd transition. Abhi jaise maine bataya tha, t2g se electron is getting excited to eg. This is also d orbital, this is also d orbital. Isko bolte hai dd transition. So kahin na kahin you will see that the reason for the color of coordination compound in the case of complexes, in the case of coordination complexes, is DD transition. Ye har baar nahi hota. I mean, this is not the only reason for color of coordination complexes, but yes, in most of the cases, this is the reason that because of DD transition, coordination complexes are colored. So, kyunki aluminium 3+ has been replaced by chromium 3+, which itself is a transition metal ion. So, yeah, there are possibilities of DD transition and hence this compound ruby will be colored. ठीक है? Okay, I hope color वाला ये वाला सारा part is clear. अब एक छोटा सा मतलब और अच्छी चीज बताती हूँ. Not important for CBSE, but really interesting and good for JEE students. Have you ever heard of color wheel? एक color wheel होता है ना, ये art वाले लोग use करते हैं पेंटिंग वेंटिंग में. दिस वैसे कलर्स 7 में डिवाइड करते हैं ना, विप ग्योर, वायलेट, इंडिगो. सो वी राइट इट VIBGYOR. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है? इसमें से आई जस्ट वांट यू टू रिमूव इंडिगो, तो क्या बन जाएगा? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. देखो, द कलर ऑफ द कंपाउंड दैट यू विल सी विद योर आईज is the complementary color to, like complementary color to what it was absorbing. Matlab, maan lo there is a compound. Theek hai? This is some complex. And this is absorbing orange color. Matlab, isne orange color absorb kiya. Theek hai? To kaun sa color bahar aayega? What is the complementary color to the orange? Blue. मतलब टू आर आईज इट विल अपियर टू बी ब्लू इन कलर बिकॉज इट हैज अब्सॉर्ब्ड ऑरेंज कलर फ्रॉम द व्हाइट लाइट. ठीक है? और एग्जांपल देखो, अगर मान लो मैंने एक टी शर्ट डाल रखी होती है विच इज ग्रीन इन कलर. ठीक है? लेट्स से ये टी शर्ट, एक देयर इज अ टी शर्ट, या लेट्स से द टी शर्ट इज रेड इन कलर. तो टू माय आईज द टी शर्ट इज रेड इन कलर, तो उसने कौन सा कलर एब्सॉर्ब किया होगा? इट वुड हैव एब्सॉर्ब्ड ग्रीन कलर. That is why it appears to be red in color to us. Agar the t-shirt ka material is absorbing red radiation, so the color which will come to your eyes is green. Matlab complementary color will be visible to your eyes. Theek hai? To isse bhi thoda sa idea lag jata hai ki kya the coordination complex is absorbing a light of lower frequency or higher frequency, and this is all based upon ligands. Theek hai? Ki agar strong field ligand hoga, तो ज्यादा गैप होगा, सो अ लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी हैज टू बी अब्सॉर्ब, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसा होगा? फाइन. सो दिस मच इज इट फॉर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, विच इज कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं. इन केस यू हैव डाउट्स, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है? ओके. सो हैविंग डन विद द फर्स्ट टॉपिक, नाउ लेट मी गो टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, विच इज, let me just clean the board. And the second topic that we have for today's video is
मेटल कार्बोनिल्स। ध्यान से समझो, देखो, द टॉपिक इज इंटरेस्टिंग एंड इज इजी ऑल्सो। मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं? दीज आर द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जहां पर देर इज अ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ लिगेंड, तो जो बॉन्ड होगा बिटवीन द मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, उस बॉन्ड को बोलते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, एंड द कॉम्प्लेक्सेस विल बी नोन एज मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, मुझे बताओ कि आई एम राइटिंग वन कॉम्प्लेक्स, यू हैव टू टेल मी कि इन द एक्सट्रैक्शन चैप्टर विच टॉपिक वी स्टडीड दिस कॉम्प्लेक्स इन, ये कॉम्प्लेक्स कौन से सब टॉपिक में पढ़ा था, व्हाट्स द नेम ऑफ द प्रोसेस। द कॉम्प्लेक्स इज NiCO4, तो मैं इसको लिख सकती हूं टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। इन द केस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स जनरली मेटल विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर वोंट बी एनी चार्ज ऑन द मेटल। NiCO4 का अभी हमने बहुत बार स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी विद VBT विद CFT, अब आई होप इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। NiCO4 इज SP3 एंड दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनिल विच इज गिवन इन आवर बुक विच इज NiCO4। यू हैव टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर शेप हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकेंड मेटल कार्बोनिल विच इज गिवन, दिस इज FeCO5। तो वट कैन आई राइट, वट विल बी द नेम? दिस विल बी पेंटा कार्बोनिल आयन इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और इसकी शक्ल क्या हो गई? FeCO, CO, CO, एक CO ऑन द टॉप, वन एट द बॉटम। ठीक है, ये क्या बन गया? दिस इज ट्राइगनल बाय पिरामिडल। सो दिस इज द शक्ल ऑफ FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयन जीरो। क्लियर हो गया? मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज, लेट मी रिमूव दिस ओनली। देखो, हर एक मेटल कार्बोनिल में देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड CO, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है ना, नेक्स्ट इज CrCO6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका नाम मैं लिख दूंगी हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम जीरो। ठीक है, और इसकी शक्ल कैसे बनाऊंगी? CrCO, CO, 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 CO on the top, CO on the bottom, and the shape will be octahedral. ये तीन examples तो करने ही करने हैं, these are given in NCERT board exams के लिए भी, as well as JEE and NEET के लिए भी, you should know the structures, this is important. Fine, अब थोड़ा थोड़ा let me complicate the example। ये तो था जिसमें single metal ion was there, only one metal ion was there, now let me give you another example. Let's say the example I'm writing is of Mn2CO10. When I write Mn2CO10, so just as a fluke, don't you think it's a dimer of MnCO5? मतलब MnCO5 के two such molecules will form Mn2CO10. ठीक है? देखो कैसे बनाएंगे? Mn. I have to put 10 carbonyl. So I will draw, and you see there is one MnMn bond and thus carbonyl rakhne hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is the structure of Mn2CO10. Ab main batati hu JEE mein kya question pucha tha. They asked Mn2CO10 mein how many MnMn bonds were there? And they asked how many MnCO bonds were there. So, kitne ho gaye MnMn bond? 1. How many MnCO bonds will be there? Upar se start karo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, there are a total of 11 MnCO bonds and 1. Nahi. 10 MnCO bonds. My bad. 10 CO hai, so 10 MnCO bonds and 1 MnMn bond will be there. Theek hai? इससे ही मिलता जुलता दे आस्क अनदर क्वेश्चन इन JEE, सो यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स। ओके, अनदर स्ट्रक्चर विच यू हैव टू रिमेंबर, गिव मी अ सेकेंड,
दिस इज ऑल्सो सुपर धासु इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एंड द क्वेश्चन इज CO2CO8 इसका स्ट्रक्चर बनाना है. सो कैन आई राइट इट एज ऑक्टा कार्बोनिल एन वाई एल डाई कोबाल्ट जीरो, मतलब 2 कोबाल्ट आ गया एंड 8 कार्बोनिल्स आ गया. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. सो वी हैव रिमेंबर, ठीक है, सीओ में सी कैपिटल ओ छोटा, कोबाल्ट इज सी कैपिटल ओ छोटा. ड्रॉ अनदर सीओ, सी कैपिटल ओ छोटा, एंड यू हैव टू ड्रॉ 8 सीओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is the structure of CO2CO8 which is given in NCERT. ये भी JEE का question है with a different year. And इसमें पूछा था how many CO CO bonds are there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And how many C double bond O are there? So 1, 2. How many CO CO bonds are there? 1. ठीक है, तो प्लीज यार ये स्ट्रक्चर याद रखना, क्योंकि पेपर में बहुत जने भूल जाते हैं कि यार ये दे तो रखा था एनसीईआरटी में, एंड दे थिंक कहीं पे भी स्ट्रक्चर नहीं था. था स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में, उस जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था आधे लोगों ने बोला था कि हाँ ये तो कई और सिलेबस का क्वेश्चन है, बट दिस वॉज गिवन इन एनसीईआरटी. ठीक है, तो इफ यू गो टू वेरी वेरी माइन्यूट डिटेल्स, वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन एनसीईआरटी, ऑब्वियसली जेई और नीट में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, ओके, सो स्ट्रक्चर वाला काम क्लियर हो गया. नाउ लेट मी टेल यू अनदर सब टॉपिक विच इज लाइक, लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, की क्या टाइप का बॉन्ड होता है, या मतलब व्हाई आर वी टीचिंग यू दिस टॉपिक स्पेशली. तो देखो बायो में पता होगा ना, वो कुछ पढ़ाते हैं बायो वाले बच्चों को, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब तुम मेरी हेल्प करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी. यार ये तो हम सब्सक्राइबर्स में ही ले सकते हैं, अब मैं इतनी मेहनत करती हूँ, यू नो वॉट, आई वॉज अर्निंग अ रियली गुड पैकेज. ठीक है, मतलब इट वॉज सुपर गुड, आई वोंट टेल यू बट इट वॉज लाइक रियली गुड. तो आई स्टार्टेड डूइंग वीडियो रिकॉर्डिंग. ठीक है, आई गॉट सो मच इन टू द वीडियो रिकॉर्डिंग कि अब मैंने फाइनली अपनी जॉब छोड़ दी. आई एम लाइक नो, लेट मी कंप्लीट द पोर्शन बाई वीडियो रिकॉर्डिंग, लेट मी स्प्रेड वट एवर आई नो टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज आई कैन. तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार अब सैलरी नहीं आती है, एंड दैट्स लिटिल यू नो फैक्ट विच हर्ट्स यू, लाइक वेन यू आर अर्निंग रेगुलरली एंड एकदम से यू स्टॉप अर्निंग, तो यू रियली फील कि अरे यार शिट. सो समटाइम्स इट्स लाइक अ बैड फीलिंग. तो देखो लेट्स वर्क इट इन सिम्बायोटिक फैशन. आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोज फॉर यू, यू लाइक द चैनल, यू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, तो फायदा मेरा भी होगा. तो यू नो म्यूचुअल, कि मैं तुम्हारे लिए करूंगी तुम मेरे लिए कर दो, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग, है ना. सिमिलर टू आर म्यूचुअल रिलेशनशिप, देर इज अनदर रिलेशनशिप विच इज देयर इन मेटल कार्बोनिल्स, एंड इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग. देखो जो बॉन्ड होता है ना बिटवीन द मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो बॉन्ड होता है दिस इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड, इट्स अ बॉन्ड विच इज बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड सीओ. अब यू माइट बी थिंकिंग कि यार मैम सिग्मा और पाई कैसे बन गया, हाउ इज दिस पॉसिबल. तो देखो मान लो ये हमारा मेटल है एंड दीज आर द फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल. ठीक है, दीज आर फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन, इसको मैंने डार्क कर दिया. अब मेटल के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है, लेट्स से दिस इज एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल. फाइन, मेटल के पास तो यार मेटल आयन है, जैसे था 3d5 या लेट्स से 3d4 है, तो 3d4 में 4d orbitals are filled but 1d orbital is empty. So, ये हो गया empty d orbital and these are the filled d orbitals. ठीक है? अब अगर मैं carbon monoxide की बात करती हूँ, if I draw the structure of C triple bond O, तो carbon monoxide में sigma bond भी है and carbon monoxide has pi bond also. तो let me write it like C triple bond O. ठीक है?
अब अगर किसी के पास पाई बॉन्ड होता है, पाई ऑर्बिटल्स होती है, तो यू नो राइट, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इट हैज पाई स्टार ऑल्सो. वो खाली हो सकता है बट इट माइट बी, इट विल बी हैविंग पाई स्टार ऑर्बिटल विच माइट बी एम्प्टी. सो लेट मी से कि दीज आर एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ सीओ. भाई अभी मैंने सिखाया ना कि सीओ में पाई है तो पाई स्टार भी होगा. So let me draw the red ones as empty pi star orbitals of CO. आगे देखो, अब इसके पास तो lone pair भी है. Carbon has lone pair, oxygen has lone pair, है ना? तो these lone pairs will be present in filled orbitals of CO. CO की filled orbitals है. अब देखो सबसे पहले क्या होगा, मेटल आयन आएगा. देखो ध्यान से समझना, जस्ट दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, दिस होल थिंग इज अ 3 मार्क क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सीओ गिव्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल बाय सिग्मा बॉन्ड. सबसे पहले सीओ का जो ये फिल्ड ऑर्बिटल है, दीज फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ सीओ will be giving their electrons to the empty orbital of the metal and this will lead to the formation of sigma bond. आई बात समझ? ये बन गया कार्बोनिल और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड. क्लियर हो गया? कैसे बना? सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ सीओ टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन. ठीक है? नाउ इन केस द मेटल इज हैविंग फिल्ड डी ऑर्बिटल, मेटल इज हैविंग फिल्ड डी ऑर्बिटल, now these filled d orbitals will be giving the electron pairs to the, so see, metals filled d orbitals give electrons to empty pi star orbital of co forming pi bond. अब क्योंकि मेटल ने ले लिया, यार हम पड़ोसी से, मान लो एक हमारे घर में, हमारे साथ वालों के घर में चीनी खत्म हो गई, तो दैट आंटी विल कम टू माय मदर एंड से कि मतलब आंटी चीनी दे दो, तो माय मदर विल गिव अ बॉल ऑफ शुगर. ठीक है? अब वो हमारे से शुगर भी ले गई एंड दे टुक द कटोरी आल्सो फ्रॉम अस, द बॉल फ्रॉम अस. अब व्हाट विल शी डू नेक्स्ट डे? जनरली ऐसे ही होता है यार हमारे पंजाबियों के घरों में. नेक्स्ट डे सपोज आंटी हैज कुक्ड समथिंग रियली गुड विच वी लाइक, तो आंटी विल कम टू आर होम एंड से कि आपकी कटोरी रह गई थी. आई होप ये तुम्हारे घर में भी होता होगा, है ना? मतलब लेन देन चलता रहता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने दिया किसको? मेटल को. नाउ मेटल विल गिव बैक द इलेक्ट्रॉन्स टू द एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ सीओ एंड इट विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड. पाई स्टार ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन्स दिया, फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड. मतलब लेने देने के रिलेशनशिप से दिस बॉन्ड इज बिकमिंग really strong bond and this is the reason for the stability of metal carbonyls and that is what is known as synergic bond. ठीक है? synergic bond मतलब लेना देना at the same time, so the bond becomes really strong and hence the compound becomes stable. Fine. So guys, this was the complete detail about metal carbonyl. I told you which kind of questions will be asked in board exams. Also, I told you what kind of questions can be expected for JE and NEET exam. ठीक है? तो अगर यहाँ तक clear हो गया, लिखो, then we'll continue further. लिखो. Okay, I hope यहाँ तक अगर चीजें clear हो गई, तो let us continue further with the third subtopic of the video, which is stability of coordination complexes. एक second दे दो. इसमें से भी देखो, इस topic में क्योंकि इस साल 1 1 mark questions are there, 1 word questions are there, 1 line questions are there, तो quite possible कि they can ask you the definition. नहीं तो JE में पता क्या पूछते हैं, JE या NEET में, they give you one value and they ask you to find instability constant for that complex. मतलब इतना easy question पूछते हैं और बच्चे skip करते हैं ये topic और वो question भी छोड़ के आ जाते हैं. मतलब बहुत ही बुरी feeling आती है. Okay, बगर बंद करके let me start with the third topic, which is stability of coordination complexes. मान लो मैं एक मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूं, विच इज
लेट्स से ML4, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ML4 बनता कैसे है? तो हम पता क्या प्रिज्यूम करते हैं, वी से दैट फर्स्ट वन लिगेंड विल कम टू मेटल टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ML. मैं लिखती जाती हूँ साथ साथ। सो फर्स्ट वी से मेटल विल बी लाइक लिगेंड विल अप्रोच, ओनली वन लिगेंड विल अप्रोच द मेटल टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ML. ठीक है, एंड द प्रोसेस इज डन इन इक्विलिब्रियम। लेट्स से द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज K1. ठीक है, फिर क्या होगा, दिस कॉम्प्लेक्स ML विल कंबाइन विद अनदर लिगेंड एंड इट विल फॉर्म ML2. लेट्स से जो इसका कॉन्स्टेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, दैट इज K2. फिर क्या होगा, दिस ML2 विल कंबाइन विद अनदर लिगेंड एंड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स ML3. मतलब स्टेप बाय स्टेप द कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड। अब क्या होगा, फाइनली ML3 विल कंबाइन विद अनदर लिगेंड एंड इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ML4, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज K4. ठीक है, तो ये जो K1, K2, K3, K4, K1, K2, K3, K4 है ना, इनको मैं बोल सकती हूं स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, मतलब इफ ML इज मोर स्टेबल देन द K1 वैल्यू विल बी हाई, अगर K2 वैल्यू इज हाई दैट मींस ML2 फॉर्मेशन इज स्टेबल। कहने का मतलब द मोर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट द मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो मतलब हायर K1, K2, K3, K4 मींस हायर स्टेबिलिटी ऑफ ML, ML2, ML3, ML4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम चैप्टर तो सबको याद होना चाहिए। आई कैन से कैन आई डिफाइन K1 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली आई कैन डिफाइन K2 एज ML2 बाय ML इंटू L, ये भी ठीक हो गया। सिमिलरली K3 आई कैन राइट ML3 बाय ML2 इंटू L एंड आई कैन राइट K4 एज ML4 बाय ML3 इंटू L. ये सब ठीक हो गया, मतलब आई हैव रिटन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। मान लो लेट मी से आई एम आस्किंग यू टू एड ऑल द फोर रिएक्शंस, एड ऑल फोर रिएक्शंस, तीनों को एड करोगे तो मतलब एड ऑल द फोर रिएक्शंस, चारों रिएक्शंस को एड करते हैं तो क्या होता है, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट गेट्स मल्टीप्लाइड। आई होप ये इक्विलिब्रियम चैप्टर का याद होना चाहिए, मतलब दिस इज वेरी बेसिक थिंग। सो व्हेन यू एड द रिएक्शंस ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सो यू विल बी लेफ्ट विद M प्लस 4 टाइम्स L एंड इट विल फॉर्म ML4। दिस इज द फाइनल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट विल बी द फाइनल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, K1 टाइम्स K2 टाइम्स K3 टाइम्स K4, और अगर सॉल्व करके देखोगे दिस विल कम आउट टू बी ML4 बाय M इंटू लिगेंड रेज टू द पावर 4। दैट्स इट, आई समझ। तो जो ये जो बीटा है, दिस बीटा इज नोन एज ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। सो दिस बीटा इज नोन एज ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हायर K1, K2, K3, K4 मींस हायर बीटा, मींस हायर चांसेस ऑफ रिएक्शन टू अकर, मींस मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, तो जिस कॉम्प्लेक्स का बीटा जितना ज्यादा दैट कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर स्टेबल। फाइन, अब NCERT में ना एक क्वेश्चन दे रखा है, मतलब दे हैव गिवन यू अ कॉम्प्लेक्स और उन्होंने पूछा है कि यू हैव टू टेल व्हाट इज द इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट फॉर दैट कॉम्प्लेक्स। मतलब ही डिडंट टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, ही टॉक्ड अबाउट इनस्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बजाय टॉपिक हो गया इनस्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और जो इनस्टेबिलिटी फैक्टर है ना इज नथिंग बट 1/बीटा विच इज 1/स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। तो जिसका स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट बीटा जितना ज्यादा उसका इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट मतलब 1/बीटा उतना कम, दैट्स इट। ठीक है, सो ये भी एक क्वेश्चन है विच इज गिवन इन NCERT एज अ न्यूमेरिकल, सो इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 mark एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, the relation is very important for JEE and NEET exam also.
क्लियर हो गया. सो दिस वॉज द थर्ड टॉपिक विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट फॉर दिस वीडियो. एंड नाउ लेट मी मूव टू द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विल बी ओवर. एंड जो टॉपिक है दैट इज, अब यार इसका मुझे टाइटल नहीं पता, बट द टॉपिक इज समथिंग, मतलब यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन डेली लाइफ, कि कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं. अब कुछ 7-8 रैंडम पॉइंट्स हैं विच आई विल राइट देम, विच आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन जितना जितना मैं कर सकती हूँ. एंड यू हैव टू प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स एज फैक्ट. तो फैक्ट की तरह भी यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि कहीं ना कहीं दे विल बी आस्क्ड इन जेईई एंड नीट. सीबीएसई में आए ना आए, बट जेईई नीट के लिए दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट. सबसे पहली चीज, यू नो हाउ वी मेजर द हार्डनेस ऑफ वॉटर, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर वी हैव टू मेजर कि वेदर वॉटर इज हार्ड और नॉट. By the way, you know, right? Hardness of water is basically because of calcium ion and magnesium ions present in water in the soluble form. ठीक है? तो मुझे measure करना है what's the amount of calcium and magnesium ion present in water. तो हम क्या करते हैं? We do titration with Na2-EDTA solution. अब EDTA ligand है ना, मैंने बताया था. तो हम क्या करते हैं, वी डू द टाइट्रेशन ऑफ दैट हार्ड वाटर विद Na2-EDTA सॉल्यूशन. अब जो EDTA होता है ना, दैट हैज अ मोर, क्या कहते हैं, मतलब आई शुड से इट हैज मोर एफिनिटी फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो टू ऑफ द सोडियम्स विल बी डिस्प्लेस्ड एंड इट विल बी फॉर्मिंग CaEDTA और इट विल फॉर्म MgEDTA. मतलब फिर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे एंड विल गेट द आंसर कि कितना पानी हार्ड है या कितना पानी सॉफ्ट. ठीक है, बस इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी थी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इज वी हैव टू डू द टाइट्रेशन ऑफ हार्ड वाटर विद Na2-EDTA सॉल्यूशन. दैट्स द फर्स्ट फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर हो गया? ओके, सो वंस दिस इज डन लेट मी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज, ये मैंने चैप्टर की बिगिनिंग में भी कराया था आई रिमेंबर. क्लोरोफिल जो होता है, इट हैज मैग्नीशियम एज वन ऑफ द मेटल आयन, मतलब द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लोरोफिल हैज मैग्नीशियम आयन इन द सेंटर. सिमिलरली द हीमोग्लोबिन इन आर ब्लड, इट इज हैविंग Fe एज वन ऑफ द मेटल आयन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. ठीक है, सिमिलरली अगर आई टॉक अबाउट विटामिन B12, विटामिन B12 में मैंने पिछली बार भी बोला था, ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, विच मेटल आयन इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, इट इज कोबाल्ट CO. ठीक है, अब वन अनदर थिंग विच कैन बी आस्क्ड, दिस इज साइनो कोबाल अमीन, मतलब विटामिन B12 इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट NH3 एंड Cl. ठीक है, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस टर्म साइनोकोबालमीन. दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ विटामिन B12 वेयर कोबाल्ट इज प्रेजेंट एज अ सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, दिस इज आउट ऑफ दीज थ्री, ये तो पता ही होता है सब बच्चों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन कि विटामिन B12 हैज कोबाल्ट एज द मेन सेंट्रल आयन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालमीन. ठीक है, ओके, और आगे अगर मैं बात करती हूँ, लेट मी टॉक अबाउट अनदर टू इम्पॉर्टेंट, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस लेवल ऑल्सो, बहुत बार एडवांस में मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इन सब का यूज किया होता है. ठीक है, सो दिस इज विल्किंसन्स कैटलिस्ट. ये जो हमारा विल्किंसन्स कैटलिस्ट है, दिस इज यूज फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स. मतलब आई थिंक कभी सुना होगा कि यू कैन यूज रोडियम का कॉम्प्लेक्स फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स. एंड वट इज द रोडियम कॉम्प्लेक्स वी यूज, दैट इज दिस इज सर्क्यूलर ब्रैकेट ट्राई फिनाइल फॉस्फीन,
देखो दिस इज फॉस्फीन बेंजीन रिंग, सो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, रोडियम इन द सेंटर एंड सीएल. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ विल्किंसन्स कैटलिस्ट विच is used for the hydrogenation of alkenes. Please do remember the catalyst, the use, as well as the composition of the catalyst. It is a rhodium complex, triphenylphosphine chloride. ठीक है? तो ये भी एक अगला example है. This is also a fact which you have to remember. This is given in NCERT. Okay. Next, if I talk about, we have पता है अगर हमारी बॉडी में लेड की पॉइजनिंग हो जाती है, वी हैव LEAD, वी हैव लेड पॉइजनिंग. मेरे को पॉइजनिंग की स्पेलिंग कभी नहीं आती है. लेड पॉइजनिंग को हमारी बॉडी में, मतलब हमने बहुत सारा एक्सेस में लेड खा लिया जो कि मैगी में होता है, ठीक है, और लेड पॉइजनिंग होगी. हाउ विल वी रिमूव दैट? दैट इज रिमूव By using EDTA. तो देखो EDTA तीन चार जगह पे आ गया. मैंने बोला था हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज होगा. I told you EDTA is also used for removal of lead poisoning. ठीक है? आगे देखो. मान लो we have excess of copper and we have excess of iron. You have to remember these facts. अगर हमारी body में we have excess of copper, then it is used, like it is removed by using D-penicillamine. So, D-penicillamine जो है, that is used for the removal of excess of copper from the body. Please do remember this fact. कि D-penicillamine is used for the removal of excess of copper. Similarly, अगर you have to remove excess of iron from the body, you have to use desferrioxime. So you have to use desferrioxime and it will be used for the removal of iron from our body. Clear ho gaya? Let me think if anything is left. Yes. There is a complex of cisplatin. It is a complex of platinum and it is used to remove tumors from our body. Matlab, ab main ek baat batati hu. JEE wale isko to pooch chuke hain. JEE वाले इसको तो पूछ चुके हैं, so chances are there that they can ask you these two things also. ठीक है? Once again, body में lead की poisoning है, तो use EDTA to remove it. Body में excess of copper है, you use D-penicillamine to remove it. Body में excess of Fe है, तो use desferrioxime. And body में excess, मतलब tumors आ गए हैं हमारी body में, so we can use a drug which is cisplatin, which is made up of platinum. Fine? तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, जो हम स्किप कर देते हैं ये सोच के कि अबे यार चिल मारो, ये कौन पूछता है, बट ये पूछी जाती है. ठीक है? सो गाइज, दिस वॉज ऑल द डिटेल्स आई हैड फॉर द टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग. फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है. आई विल आंसर द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड येस, नाउ डू लेट मी नो वॉट इज द नेक्स्ट चैप्टर यू वॉन्ट मी टू डू after this chapter. क्योंकि यहां तक मैंने सब कंप्लीट कर दिया, नोट्स बना दिए हैं. आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस फॉर नोट्स ऑल्सो. अब मुझे फटाफट से बता दो कि व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर यू वांट मी टू डू, ताकि आई विल क्विकली स्टार्ट विद दैट चैप्टर. ठीक है? थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.